गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्टोरी ऑफ द पालनपुर हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, और जो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर। एट प्रेजेंट द लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालनपुर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग डेट takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in the Palanpur involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at the home or in the fields with the help of family laborers. Relay are the laborers हेयर्ड, मतलब कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली फार्मर्स होते हैं या लेबर्स होते हैं, उनसे वो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क्स और कैरिड, मतलब कि वहाँ एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए यूजफुल आता है। द शॉपकीपर ऑफ द पालनपुर, पालनपुर के शॉपकीपर कैसे थे? पीपल्स इन्वॉल्व इन अ ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालनपुर। पालनपुर द ट्रेडर्स ऑफ द पालनपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from the wholesaler market in the cities and sell them in the village. मतलब कि cities से लेके जाते थे और village के market के अंदर sell करते थे। You will see small general stores in the villages selling a wide range of the items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। मतलब कि जो स्मॉल विलेजेस होते हैं उनके अंदर स्मॉल जनरल स्टोर्स होते हैं, मतलब जनरल स्टोर मतलब कि शॉप होती है, वहां पर आपको कुछ आइटम्स वहां पर प्रोवाइड होते हैं। फ्यू ऑफ फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन ए स्मॉल शॉप। मतलब स्टैंड के पास में होती है, वहां से वो शॉपकीपर वहां से परचेज कर सकते हैं। मतलब कि छोटी छोटी शॉप्स होती है, स्मॉल शॉप्स होती है। फिर हम पढ़ेंगे उसके अंदर देन ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट क्या है? फास्ट डेवलपिंग सेक्टर्स है। देर आर वेराइटीज ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालनपुर और टू रानीगंज। रानीगंज मतलब कि वहाँ का एक सिटी था, पालनपुर विलेज है, और वो किससे कनेक्टेड होता था? रानीगंज से। रिक्शा वाले, टांगा वाले, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रंक ड्राइवर्स एंड पीपल्स ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक्स कार्स एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। मतलब कि जो रिक्शा, टांगे, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सारे क्या हैं? वहां के ट्रांसपोर्ट हैं, जो सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्ट को या प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आते थे, यूजफुल थे। They free fair peoples are goods from one place to another and in return gets paid for it. उनको फिर वो जब ट्रांसपोर्ट करते थे तो ऑब्वियसली है कि उनको कुछ पे तो करना ही पड़ेगा, वैसे फ्री में कौन करेगा काम। The number of the peoples involved in the transport has grown over the last several years, मतलब बहुत सारे years पहले। हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट है किशोर, एक स्टूडेंट है, इज अ फार्मर लेबरर। वो फार्मर लेबरर है, मतलब कि लेबर है वहां फार्मिंग का, लाइक अदर सच लेबर, दूसरे लेबर्स की रो। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। अ फ्यू इयर्स बैक किशोर टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। किशोर ने वहां से लोन लिया बैंक से। दिस वॉज अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्रामिंग विच वॉज गिविंग चीप लोन टू द पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। मतलब चीप लोन मतलब कि जो इंटरेस्ट, जो मनी के ऊपर जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, वो लो लगता है। किशोर बॉट अ बफेलो विद हिज मनी। उसने उस लोन से, उस मनी से उन्होंने बफेलो परचेज की। ही नाउ सेल द बफेलो मिल्क। उसने बाद में बफेलो का मिल्क सेल किया। उसके बाद में फर्दर ही हैज अटैच अ वुडन कार्ड टू हिज बफेलो एंड यूज टू द ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। उसके बाद में उसने बफेलो को क्या किया? वुडन कार्ड मतलब उसके पीछे एक स्टैंड लगाया बफेलो को, और उसके बाद में उसने ट्रांसपोर्ट का यूज किया
वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग ब्लैक क्ले फ्रॉम द पोर्टर. मतलब कि फिर वन वीक में, मतलब वीक में एक दिन जाता था वो वहां से, उसके ऊपर वहां से क्ले, रिवर ऑफ गंगा के पास में से क्ले लेके आता, मिट्टी लेके आता था. और समटाइम ही गोज टू द शाहपुर विद अ लोड ऑफ जगरी और अदर, और अदर मतलब कि प्रोडक्ट्स लेके जाता था साथ में, उनको भी वहां से वो परचेज करता था. और कमोडिटीज एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू सम इयर्स बैक. मतलब कि वो बैक ईयर से ज्यादा अर्न करने लगा. पहले वो क्या था, क्योंकि उसके पास में लेबर था वो फार्मिंग, उसके पास में पैसे नहीं था, वो पुअर था. उसके बाद में धीरे धीरे वो अर्ली ईयर से, बैक ईयर से वो ज्यादा अर्न करने लगा. तो हमने ये चैप्टर डिस्कस किया और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और इस चैप्टर को वापस रीड आउट करना. कोई भी डाउट हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं, मैसेज फोन पे नहीं करना है आपको.